हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पर उसकी वाइफ उससे कहती है, क्या तुमने अपनी टैबलेट ली? क्या तुमने अपनी टैबलेट ली? Did you take your tablets? Did you take your tablets? वो कहती है, मैंने उन्हें टेबल के ऊपर रखा था। मैंने उन्हें टेबल के ऊपर रखा है। I kept them on the table. वो कहता है, हाँ मैंने ली। Yes, I did. Yes, I did. फिर वो उससे कहती है, क्या तुमने बिजली का भुगतान किया? क्या तुमने बिजली का भुगतान किया? Did you pay the electricity bill? Did you pay the electricity bill? क्या तुमने बिजली का भुगतान किया? तो यहाँ फ्रेंड्स दो सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। ये एक फैमिली कन्वर्सेशन है तो काफ़ी अच्छे यूजफुल सेंटेंस है। वो कहती है, उन्होंने एक डिसकनेक्शन सूचना भेजी है। मतलब बिजली का कनेक्शन काटने के लिए एक लेटर आया हुआ है, तो उसके बारे में कह रही है कि उन्होंने एक डिसकनेक्शन सूचना भेजी है। दे हैव सेंट ए डिसकनेक्शन नोटिस। दे हैव सेंट ए डिसकनेक्शन नोटिस। वो कहता है, मैं कल वहाँ गया था लेकिन काउंटर बंद था। मैं कल वहाँ गया था लेकिन काउंटर बंद था। मतलब वो कहता है, मैं बिजली के वहाँ पर गया था जमा करने बिल, लेकिन वहाँ पर काउंटर बंद था। आई वेंट देयर यस्टरडे बट द काउंटर वॉज क्लोज्ड। आई वेंट देयर यस्टरडे बट द काउंटर वॉज क्लोज्ड। उसकी वाइफ कहती है, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। वो कहती है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। दीज डेज एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन। दीज डेज एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन। आजकल सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। फिर उसकी वाइफ उसको बोलती है, क्या तुम बच्चों को स्कूल छोड़ दोगे? क्या तुम बच्चों को स्कूल छोड़ दोगे? विल यू ड्रॉप द किड्स टू स्कूल? विल यू ड्रॉप द किड्स टू स्कूल? वो कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। नो आई कांट। नो आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तो वो कहती है, मैं बच्चों के लिए सब कुछ करती हूँ। मैं बच्चों के लिए सब कुछ करती हूँ। आई डू एवरीथिंग फॉर द किड्स। आई डू एवरीथिंग फॉर द किड्स। अब फ्रेंड्स ये सेंटेंस भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर किड्स का यूज़ करें, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी फैमिली को यूज़ कर सकते हैं, आप घर यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो काफ़ी ये भी अच्छा सेंटेंस है। वो कहती है, क्या तुम एक बार मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या तुम एक बार मेरी मदद नहीं कर सकते? कांट यू हेल्प मी जस्ट दिस वंस? कांट यू हेल्प मी जस्ट दिस वंस? क्या तुम एक बार मेरी मदद नहीं कर सकते? तो ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है फ्रेंड्स। यहाँ पे वो कहती है, और तुम्हें क्या चाहिए? एक्चुअली जो यहाँ पे वो चल रहा होता है, उनका ब्रेकफास्ट हो रहा होता है, तो अपने बच्चों से कहती है, और तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट एल्स डू यू वांट? व्हाट एल्स डू यू वांट? और तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है, मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। तो उसकी वो मदर होती है, वो कहती है, ऐसे भी लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं। देयर आर पीपल स्टार्विंग टू डेथ। देयर आर पीपल स्टार्विंग टू डेथ। ऐसे भी लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टर्विंग यूज़ हो रहा है ना वर्ड, इसका मतलब होता है भूख से मरना। जो भूख के मरते हैं तो उसके लिए हम स्टर्विंग यूज़ करते हैं। और यह यहाँ नखरे कर रही है, अपनी लड़की के लिए बोलती है वो, और यह यहाँ नखरे कर रही है। एंड हेयर शी इज़ थ्रोइंग टेंट्रम्स। एंड हेयर शी इज़ थ्रोइंग टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मतलब होता है नखरे करना। नखरे के लिए हम टेंट्रम्स यूज़ करते हैं। फिर उनका फादर उनको लेके जा रहा होता है, तो लड़का कहता है, यहाँ गर्मी है मुझे एसी चालू करने दो। यहाँ गर्मी है मुझे एसी चालू करने दो। इट्स हॉट लेट मी स्विच ऑन द एसी। इट्स हॉट लेट मी स्विच ऑन द एसी। वो कहता है, तुमको एसी की क्या ज़रूरत है? उसका फादर होता है, वो कहता है, तुमको एसी की क्या ज़रूरत है? वाई डू यू नीड द एसी? वाई डू यू नीड द एसी? ताज़ी हवा में सांस लेना सीखो। उससे कहता है, ताज़ी हवा में सांस लेना सीखो। लर्न टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर। लर्न टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर। फ्रेश ब्रीथ मिस मतलब होता है सांस लेना। हम एक नई कार कब खरीदेंगे? उसका लड़का कहता है, हम एक नई कार कब खरीदेंगे? व्हेन विल वी बाय ए न्यू कार? व्हेन विल वी बाय ए न्यू कार? हम एक नई कार कब खरीदेंगे? वो कहता है, जब तुम कमाना शुरू करोगे। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। जब तुम कमाना शुरू करोगे। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। अब फ्रेंड्स ऐसा तो कभी आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोगों की फैमिली में यही होता है कि हम जब ऐसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हमसे कहा जाता है, जब तुम कमाना शुरू करोगे तब पता लगेगा, तब खरीदेंगे, तब करना। तो ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। तो उसकी जो डॉटर होती है वो फ़ोन में लगी होती है, काफ़ी समय से देख रही होती है। तो वो कहता है, तुम्हारे फ़ोन के बाहर भी एक दुनिया है। देयर इज़ अ वर्ल्ड आउटसाइड योर फोन। देयर इज़ अ वर्ल्ड आउटसाइड योर फोन। तुम्हारे फ़ोन के बाहर भी एक दुनिया है।
एक बार चारों तरफ देखो, लुक अराउंड वंस इन ए वाइल, लुक अराउंड वंस इन ए वाइल, एक बार चारों तरफ देखो। तो काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स ये भी सेंटेंस है। वह सारा दिन लड़कों के साथ चैट करती है, उसका ब्रदर होता है, भाई होता है, वो कहता है वह सारा दिन लड़कों के साथ चैट करती है। शी चैट्स विद बॉय ऑल डे, शी चैट्स विद बॉय ऑल डे, वह सारा दिन लड़कों के साथ चैट करती है। तो वो तभी उससे कुछ कहती है, तो वो कहता है उसका फादर ये किस तरह की भाषा है, मतलब कुछ बोलती होगी तो उससे कहता है ये किस तरह की भाषा है। वॉट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ दैट, वॉट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दैट, ये किस तरह की भाषा है। मेरे सामने अपनी जुबान पर काबू रखो, वो कहता है मेरे सामने अपनी जुबान पर काबू रखो। माइंड योर टंग इन फ्रंट ऑफ मी, माइंड योर टंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे सामने कोई कुछ बोल दे छोटा है हमसे, तो हम कहते हैं ना अपनी जुबान पर काबू रखो। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि माइंड योर टंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने अपनी जुबान पर काबू रखो। तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी तक स्वीकार क्यों नहीं करी, वो कहता है तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी तक स्वीकार क्यों नहीं करी। उसकी डॉटर ने अभी तक उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करी थी, एक्सेप्ट नहीं करी थी। तो वो कहता है व्हाई हैवंट यू एक्सेप्टेड माई फ्रेंड रिक्वेस्ट येट, व्हाई हैवंट यू एक्सेप्टेड माई फ्रेंड रिक्वेस्ट येट, तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी तक स्वीकार क्यों नहीं करी। वो कहती है आप मेरे दोस्त नहीं हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे दोस्त नहीं हैं, आप मेरे पिता हैं। यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई फादर, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर माई फादर। तो जो उनका लड़का होता है वो कहता है वह डरती है, शी इज़ स्केयर्ड, शी इज़ स्केयर्ड, वह डरती है। यहाँ पे स्केयर्ड होता मतलब डरना। वो कहता है अगर वह आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करती है, इफ़ शी एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, इफ शी एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लग जाएगा। यू विल फाइंड आउट अबाउट हर बॉयफ्रेंड्स, यू विल फाइंड आउट अबाउट हर बॉयफ्रेंड्स, आपको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लग जाएगा। तभी कुछ एक्सीडेंट टाइप का होता है, तो वो कहता है क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं, मतलब एक्सीडेंट में कुछ बोल देता है। तभी वो जो बाइकर होता है उससे कहता है, तो वो कहता है क्या हुआ, कुछ नहीं, व्हाट हैपेंड, नथिंग, व्हाट हैपेंड, नथिंग। तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, कभी कोई कुछ हो जाता है हम कहते हैं क्या हुआ, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड। तभी बाइकर उसके पास आता है, वो उससे कहता है तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। वो कहता है कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। तभी वो उससे कहता है तुम गाली क्यों दे रहे हो, कार में बच्चे हैं। वो उससे कहता है तुम गाली क्यों दे रहे हो, कार में बच्चे हैं। वाई आर यू कसिंग, देर आर किड्स इन द कार, वाई आर यू कसिंग, देर आर किड्स इन द कार। तो यहाँ पर जैसे कि कसिंग वर्ड का यूज़ करा गया है, मतलब जब गाली का यूज़ करते हैं ना गाली वगैरह के लिए, गाली दे रहा है, तो वहाँ पर हम कसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब्यूज़, अब्यूज़ माने मतलब होता है गाली, ऐसी कसिंग माने मतलब गाली देना। वो कहता है तुम देख नहीं सकते, उससे कहता है तुम देख नहीं सकते कि कार, मतलब कार में बच्चे बैठे हैं, तुम देख नहीं सकते, कांट यू सी, कांट यू सी, तुम देख नहीं सकते। तो बाइकर कहता है उनकी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मतलब लोग कार में बच्चे बैठे हैं उनकी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। आई एम लेटिंग यू गो बिकॉज ऑफ देम, आई एम लेटिंग यू गो बिकॉज ऑफ देम, उनकी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तभी वो अपने लड़के से कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तो फ्रेंड ऐसा होता है ना, देखो एक सेंटेंस जैसे हम ऐसे भी यूज़ करते हैं आर यू मैड, उसका मतलब भी सेम यही होता है क्या तुम पागल हो। तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम पागल हो। वो कहता है अब तुम्हारे में और उस बाइकर में क्या फ़र्क है, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट बाइकर, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट बाइकर, अब तुम्हारे में और बाइकर में क्या डिफरेंस है। वो कहता है तुम बड़े होकर उसके जैसा बनना चाहते हो, तुम बड़े होकर उसके जैसा बनना चाहते हो। यू वॉन्ट टू ग्रो अप टू बी लाइक हिम, यू वॉन्ट टू ग्रो अप टू बी लाइक हिम। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, जैसे हम कभी कह सकते हैं तुम बड़े होकर उसके जैसा बनना चाहते हो, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं यू वॉन्ट टू ग्रो अप टू बी लाइक हिम। तो ये भी काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है फ्रेंड्स। और आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।